मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय, एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है शनिवार का, तारीख है 17 अगस्त 2024, श्रावण शुक्ल द्वादशी पर चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नय, राहुकाल रहेगा सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:47 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:51 से लेकर रात में 8:18 तक। विशेष क्या है, मातंग योग है, इस दिन शनि त्रयोदशी मनाई जाएगी विशेष रूप से। और क्या है खास, श्रावण का शनि प्रदोष है, सावन का आखिरी प्रदोष है और बड़ा विशेष दिन है ये। विशेष तौर से सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सावन का अति विशिष्ट दिन है सावन का शनि प्रदोष। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय है वो महादेव से ही संबंधित है, बताएंगे आपको कैसे महादेव की कृपा से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, खास काम में बाधाएं आएंगी, कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से बचे, नए काम करने के मौके मिलेंगे, सामाजिक छवि सुधरेगी, यात्रा करने से बचें, उपाय ये करें कि लॉन्ग जेब में रखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, परिजनों की मदद से खास काम निपटेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, खास लोगों से मुलाकात होगी, बस सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी धर्मस्थल में साबुत काली मिर्ची चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, लंबी यात्रा के योग हैं, रिश्तेदारों से विवाद के योग हैं, कारोबारी लाभ मिलेगा, आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें, उपाय क्या करें, काले रंग का पेन जेब में रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, दफ्तर के कामकाज में प्रशंसा मिलेगी, फिजूल खर्चों से बचें, विवादों में जीत मिलेगी, सतर्क रहें, सामाजिक बदनामी के योग हैं, भाषा पर नियंत्रण रखें, उपाय ये करेंगे बरगद के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, दिनचर्या में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, व्यापार में धन लाभ के योग हैं, नई योजनाओं में निवेश करेंगे, घरेलू जीवन आनंदित रहेगा, छात्र प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे, उपाय ये करेंगे किसी गरीब महिला को नीला कपड़ा भेंट करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, घरेलू तनाव से चिंता रहेगी मन में, जीवन साथी के सेहत की चिंता भी रहेगी, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, परिजनों की मदद से लाभ प्राप्ति के योग हैं, उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को इच्छा अनुसार बादाम दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, व्यापार से लाभ के योग हैं, कामकाज में लापरवाही से बचें, संतान की समस्या का हल निकलेगा, वाहन सुख के योग हैं, लंबित घरेलू कामकाज पूरे होंगे, उपाय क्या करें कि किसी वृद्ध महिला को नारियल दान करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, घरेलू समस्या का अंत होगा, खर्चों पर काबू रखें, कारोबार में तरक्की मिलेगी, कामकाज समय पर पूरे होंगे, पुराने रोगों से कुछ परेशान रहेंगे, उपाय ये करें कि बड़ी इलायची कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे, अचानक बड़े धन लाभ के योग हैं, विदेश से लाभ की संभावना है, घरेलू संबंध सुधरेंगे, कानूनी मामले पक्ष में रहेंगे, शाम में दोस्तों के साथ में पार्टी भी करेंगे, उपाय क्या करेंगे, उड़द के दाने तिजोरी में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने से व्यस्तता रहेगी, नए काम शुरू होने के योग हैं, संतान से खुशखबरी मिलेगी, व्यापार सफल रहेगा, धर्म कर्म में रुचि भी लेंगे, उपाय क्या करें कि दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर तेल लगाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, कड़ी मेहनत पर लाभ कम होने की स्थिति बनेगी, लंबित कामकाज पूरे होंगे, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा, दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें, संबंध मधुर रहेंगे, उपाय क्या करें कि भभूत से तिलक करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, हर काम बहुत सतर्कता से करें, सामाजिक समारोह में भाग लेंगे, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, पिछले कामकाज से लाभ होगा, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करेंगे पक्षियों के लिए उड़द रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है, शनि त्रयोदशी का दिन है, शनि प्रदोष का दिन है,
ऐसे में क्या करें, शिवलिंग का पूजन करें और संभवतः काले शिवलिंग का पूजन करें। अगर काला शिवलिंग ना हो तो कोई भी शिवलिंग चलेगा। क्या करें, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए पीपल के 13 पत्ते काले धागे में पिरोकर काले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए, ओम नीलकंठाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको दुर्भाग्य से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।